तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय बोसाक और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल विजय टेक टीवी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। इस एप्लीकेशन में अगर आपके व्हाट्सएप से कोई भी फ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, अगर आपके व्हाट्सएप से SMS सेंड करेंगे या SMS सेंड करने की कोशिश भी करेंगे या उस SMS को टाइप करते ही फिर से उसको डिलीट कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वह क्या लिखा था व्हाट्सएप पर मैसेज को। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, वो कौन सी एप्लीकेशन है, उसको कहां से डाउनलोड कीजिएगा और डाउनलोड करने का तो उसको यूज़ कैसे कीजिएगा, इन्हीं के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ये रहा वो एप्लीकेशन। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों, इसको डाउनलोड कर दीजिएगा तो इसको एक्टिवेट कैसे करना है, इन्हीं के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ये एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप नीचे में देख सकते हैं ओपन एप्लीकेशन का ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने का दोस्तों यहाँ पर ये एप्लीकेशन इस तरह से खुल जाएंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले 3 डॉट का आइकन पर क्लिक करके इसको सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग पे आने के बाद तो यहाँ से आप जैसे ही बैक आइएगा तो यहाँ पर आपको एग्जिट करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको एस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने का दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको कर देना है बैक। बैक करने के बाद फिर से आपको वही एप्लीकेशन खोलना पड़ेगा और खोलने के बाद यहाँ पर इसको एक्टिवेट कर देना पड़ेगा। तो यहाँ से एक्टिवेट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर से आपको ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, 3 डॉट का आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको आ जाना है सेटिंग पे, और सेटिंग पे आने के बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ये वाला कीबोर्ड। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला इसमें अभी टिक लग गया है, तो यहाँ पर ये एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको आ जाना है बैक। बैक आने के बाद आपको फिर से इस एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एप्लीकेशन इस तरह से आएंगे, तो यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन एक्टिवेट हो चुका है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से हम अपने व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। व्हाट्सएप पे आने के बाद आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जैसे कि हम अपने व्हाट्सएप पे आने के बाद यहाँ पर हाई लिखते हैं या हेलो लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हम अपने एप्लीकेशन में आ जाते हैं। और दोस्तों एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ पर आपको ओपन एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको टाइप डाटा पे आना है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने हेलो हेलो लिखा था, तो यहाँ पर आपको दिखा देंगे।